विवादपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। मोदी के दौरे को लेकर होगी बैठक, 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे पीएम मोदी। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। मोदी के दौरे को लेकर होगी बैठक, 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे मोदी। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से करेंगे बैठक। मोदी के दौरे को लेकर होगी समीक्षा बैठक, 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे मोदी। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी के दौरे को लेकर होगी समीक्षा बैठक, 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे मोदी। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। मोदी के दौरे को लेकर होगी बैठक, 16 नवंबर को सुल्तानपुर जाएंगे मोदी। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, सुल्तानपुर दौरे पर सीएम योगी जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे और समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निश्चित है और इसके चलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। सुल्तानपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को आएंगे, जिसके चलते सुल्तानपुर दौरे पर पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी रहेंगे। और आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जांच के साथ साथ जिन चीजों का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है, उन तमाम चीजों के बारे में भी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जानकारियां लेते हुए नजर आएंगे अधिकारियों से सीएम योगी? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव पास है और साथ ही साथ सरकार की तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी पूरी होने को हैं और उनका उद्घाटन और शिलान्यास से लेकर लोकार्पण सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं, जनता को सौगातें भी दे रहे हैं और साथ साथ जनसभा आयोजित कर जनता से संवाद भी कर रहे हैं। माना जा रहा है जिस तरह से चुनाव पास में है तो उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय बिल्कुल हलचल में है, लगातार संवाद भी कर रहे हैं और कई तो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ भी आए थे। लखनऊ के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनारस का दौरा भी किया था और अब सुल्तानपुर में जाएंगे और वहाँ पर जो एक बड़ा कार्यक्रम है, अब तक का बड़ा जो योजना थी वो थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ के सहारे आजमगढ़ को जोड़ेगा। ये बहुत बड़ी परियोजना थी जो कि 5 साल से कम समय में पूरी होने वाली है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर गए हुए जाएंगे। लगभग 2:30 बजे वहां पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। जी गौरव, जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य या जिले में जाते हैं तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त कर दी जाती है, तो इसका जायजा लेने भी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री का दौरा है और प्रधानमंत्री चूंकि उनका एक अपना प्रोटोकॉल है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी होती है कि वो वहाँ पर जाए और ये एक एक प्रोटोकॉल भी है कि वहाँ पर एक दिन पहले जाएंगे, 2 दिन पहले जाएंगे, वहाँ पर जैसे बैठक भी करेंगे, वहाँ जानकारी करेंगे और जहाँ पर पीएम का कार्यक्रम है वहाँ का सभा का निरीक्षण भी करेंगे, स्थल का निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारी को दिशा निर्देश भी देंगे। मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर आ रहे हैं, वहाँ पर
पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से अभी कुछ दो दिन पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यक्रमों को धमकी मिली थी, स्टेशन जी को धमकी मिली थी कि तमाम स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली थी, उसको देखते हुए एक प्रकार से इनपुट मिले थे, तो उसको देखते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करना बहुत जरूरी भी था। और साथ ही बहुत बड़ा दौरा भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन है क्योंकि और प्रधानमंत्री की सभा है जो वहाँ पर, जो कि एयर स्ट्रिप से मात्र डेढ़ किलोमीटर के लगभग पास में होगी, वहाँ पर 2 लाख से अधिक लोगों की पहुँचने की संभावना है। तो निश्चित रूप से बड़ा सभा है और बड़ी सभा को देखते हुए बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, उसको देखकर मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और 16 तारीख को वो सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। और 16 तारीख के जो प्रधानमंत्री का दौरा है उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करने और हालातों का जायजा लेने सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 14 नवंबर को वैश्य समाज का सम्मेलन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 14 नवंबर को वैश्य समाज का सम्मेलन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 14 नवंबर को वैश्य समाज का सम्मेलन किया जाएगा जिसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में जीका वायरस ने पसारे पैर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कानपुर के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस के मिले केस, राजधानी लखनऊ में जीका के 2 केस मिले। जीएमयू लैब ने जीका वायरस के 2 केस की पुष्टि, मरीजों को आइसोलेट रहने के लिए निर्देशित किया गया, रिपोर्ट मिलने से पहले ही एक मरीज अंबेडकर नगर गया। यूपी में जीका वायरस ने पसारे पैर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस के मिले केस, राजधानी लखनऊ में जीका के 2 केस मिले। आपको बता दें कि कानपुर में 100 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं जीका वायरस के, वहीं केजीएमयू लैब ने जीका वायरस के 2 केस की पुष्टि लखनऊ में की है, वहीं मरीजों को आइसोलेट रहने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। 14 कोस परिक्रमा की हुई शुरुआत, 13 नवंबर को समाप्त होगी परिक्रमा, 14 नवंबर को शुरू होगी पंचकोशी परिक्रमा, परिक्रमा मेले को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। 14 कोस परिक्रमा की हुई शुरुआत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 13 नवंबर को समाप्त होगी परिक्रमा, 14 नवंबर को शुरू होगी पंचकोशी परिक्रमा, परिक्रमा मेले को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। 14 कोस परिक्रमा की हुई शुरुआत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 13 नवंबर को समाप्त होगी परिक्रमा, 14 नवंबर को शुरू होगी पंचकोशी परिक्रमा, परिक्रमा मेले को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद, एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग के लिए निकले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद, एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग के लिए निकले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद, एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग के लिए निकले रक्षा मंत्री। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत भी हुआ है, अब वो कहां जाने वाले हैं? और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं, 3 दिवसीय दौरा उनका है और दौरे में सबसे पहले वो 5 घंटा वहां जाएंगे
फ्रेंड्स, कॉरिडोर प्रोत्साहन समिति की बैठक है जिसमें बिरी क्षेत्र के और तमाम निवेशक लोग भी शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल है और कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। सतीश महाना जो औद्योगिक मंत्री हैं वो भी शामिल रहेंगे। तो माना जा सकता है इस बैठक रहेगी। बैठक के बाद जो राजनाथ सिंह के कई कार्यक्रम, मैं आपको बता दूँ, कई कार्यक्रम में जाएंगे। जैसे आपका अभी लगभग आज के कार्यक्रम में अगर बात करें तो बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी भी आएंगे, वहाँ पर बाबू बनारसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उसका कल भी उनके कई कार्यक्रम है जिसमें नई स्कूल शाखा का उद्घाटन भी है। इसके अलावा पीटीसी इंडस्ट्रीज का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है और लगातार उस कार्यक्रम के दौरान वो आम लोगों से मिलेंगे भी। माना जा सकता है कि चुनाव को देखते हुए एक बैठक भी कर सकते हैं जिसमें यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है तमाम लोग हैं उनके साथ उनकी समीक्षा बैठक भी होगी और रणनीति भी बनाते नजर आएंगे। जी, रणनीति तो बनाएंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे गौरव रक्षा मंत्री, लेकिन जब उत्तर प्रदेश आए रक्षा मंत्री तो कुछ सौगात भी जरूर देंगे जनता को, तो कौन सी सौगात दे सकते हैं रक्षा मंत्री? देख, सौगात तो फिलहाल अभी यही जानकारी मिली है कि डिफेंस कॉरिडोर की जो प्रोत्साहन समिति की बैठक है इसी के लिए आ रहा है, क्योंकि उनका अगर राजधानी की बात करें तो संसदीय क्षेत्र भी है और कई कार्यक्रम है, क्योंकि पहले से उनके कई कार्यक्रम निश्चित होते हैं। मैंने आपको बताया कि बाबू बनारसीदास कॉलेज भी जाएंगे, वहाँ पर वहाँ का प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा कल उनका जो कार्यक्रम है वो पीटीसी इंडस्ट्रीज के उद्घाटन का कार्यक्रम भी रहेगा। इसके अलावा माना जा सकता है कि जिस तरह से आज औद्योगिक चीज़ों को बढ़ावा देने की बात चल रही है उसको लेकर कोई बैठक होगी जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, टीएफसी में जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों से करेंगे मीटिंग, विधानसभा प्रभारियों को संबोधित करेंगे अमित शाह, 13 नवंबर को आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे अमित शाह। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, टीएफसी में जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों से करेंगे मीटिंग, विधानसभा प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे अमित शाह, 13 नवंबर को आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे अमित शाह। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसे जैसे चुनावी वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश की धरती पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह राजनाथ सिंह दोनों ही इस वक्त यूपी में मौजूद है, विधानसभा प्रभारियों को संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। गौरव, अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में है और 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है, क्या कुछ करने वाले हैं अमित शाह 2 दिवसीय? देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं और जिस तरह से उनका काम रहा है, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए उनकी गतिविधियां तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह का लखनऊ आगमन हुआ था और उन्होंने एक जो वहां पर शुभारंभ किया था सदस्यता अभियान का, मेरा परिवार भाजपा परिवार, एक कार्यक्रम का उनका शुभारंभ किया था और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों उन्होंने बैठक भी की थी और एक प्रकार से रणनीति भी बनाई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बनानी है कि जनता को बताना है और एक जनसभा के माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से हमको आगामी चुनाव में काम करना है और जनता को बताया कि भैया मैंने 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का क्या काम रहा है और किस तरह से जनता का दोबारा सहयोग चाहिए, जिस तरह से जिसके कारण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा सत्ता में आ सके। अगर आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो लगभग 5 बजे वो वाराणसी के बाबरपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर दीनदयाल हस्तकला में वहां पर जाके टीएफसी में जाके वहां पर विधानसभा अध्यक्षों मंडल अध्यक्षों और वार्ड अध्यक्षों की उनकी बैठक रहेगी, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, उसको देखते हुए ये गतिविधियाँ तेज होनी चाहिए और उसके लिए वहाँ पहुँच रहे हैं और आगामी चुनाव को देखते रणनीति बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा अमित शाह कल का अगर कार्यक्रम की बात करें तो कल भी दीनदयाल हस्तकला स्थल में वहाँ पर वो भारतीय राजभाषा सम्मेलन में समापन करते नजर आएंगे, उसके बाद लगभग शाम को आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। गौरव, जिस तरह से बीजेपी अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को चुनावी जमीन पे उतार देती है, इससे कितना लाभ होता है बीजेपी को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पश्चिम में किसान आंदोलन का मुंह काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था, माना जा सकता था कि किसान की जो 60% आबादी है देश की और मैक्सिमम वोट बैंक जो है वो रूरल क्षेत्र से ही आता है, तो माना जा सकता है कि पश्चिम में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से करने की फिराक में है, इसलिए पूर्वांचल में लगातार दौरे भी हो रहे हैं और साथ ही साथ पूर्वांचल को जो अभी एक्सप्रेस वे बनाया जा गया है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे, जिससे कि जनता को सौगात
दी जाएगी कि हम लोगों ने बेहतर काम किया है और पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने का प्रयास केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो टीएससी में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे और आज से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है और जिसके चलते वो 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। गोरखपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 13 नवंबर को रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। गोरखपुर एयरपोर्ट के रजही मोड़ पर होगी यात्रा। जनसभा को संबोधित भी करेंगे अखिलेश। गोरखपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। 13 नवंबर को रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। गोरखपुर एयरपोर्ट के रजही मोड़ पर होगी यात्रा। जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। गोरखपुर की जनता के बीच मौजूद रहेंगे। 13 नवंबर को रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश। गोरखपुर एयरपोर्ट के रजई मोड़ पर ये यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव। गोरखपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, लालच देकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उझानी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, लालच देकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। फतेहपुर से बड़ी खबर, दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। खागा कोतवाली के बस अड्डा का मामला। फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के कई लोग भी हुए घायल। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। खागा कोतवाली के बस अड्डे का मामला। कच्ची दीवार के मलबे में 3 बच्चे दबे। शाजापुर की घटना, 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। थाना काट के सिमरिया गांव का मामला। कच्ची दीवार के मलबे में 3 बच्चे दबे, 1 बच्चे की मौत, 2 हुए घायल। थाना काट के सिमरिया गांव का मामला। कच्ची दीवार के मलबे में दबे 3 बच्चे। गायत्री के गुनाहों का आज होगा फैसला। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी पाए गए। चित्रकूट से बड़ी खबर, 2 अन्य सहयोगी भी दोषी हुए करार। आज आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा। एमपीएमएलए कोर्ट सुनाएगा सजा। गायत्री के गुनाहों का आज होगा फैसला। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी पाए गए, 2 अन्य सहयोगी भी दोषी करार। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं लाइव। नितिन, जिस तरह से एमपीएमएलए कोर्ट आज फैसला सुना सकता है, तो किस तरह की सजा मुकर्रर की जा सकती है? देखिए, बीती 10 नवंबर को गायत्री प्रजापति और उनके साथ जो आरोपी थे उनको दोषी करार दिया गया था और उनकी जो सजा का जो सजा थी वो सुरक्षित रख ली गई थी। जो फैसला था सजा पर वो सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसकी सुनवाई के दौरान सजा जो है वो गायत्री प्रजापति को दी जाएगी। मामला क्या है? मामला 2013 का है, जहां पर चित्रकूट में एक गंगा आरती हो रही थी और उस गंगा आरती के दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति चित्रकूट पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात किसी ने एक महिला से करवाई थी और उस महिला का ये आरोप है कि 2014 से लेकर 2016 तक लगातार उस महिला के साथ गायत्री प्रजापति ने उनके लखनऊ स्थित आवास पर उसके साथ रेप किया। मंत्री के डर की वजह से कहीं ना कहीं जो महिला थी उसने कोई भी आवाज नहीं उठाई और लगातार उसके साथ इस तरह की जो घटनाएं थी वो घटना घटती रही 2016 तक, मतलब 2 साल तक उसके साथ रेप होता रहा। गैंग रेप की बात उसने कही है कि गैंग रेप हुआ है मेरे साथ 2 साल तक। और उसके बाद उसने कहा कि 2017 में करीब जब एक समय आया जब उसकी बेटी के साथ भी
गायत्री प्रजापति ने छेड़खानी या रेप करने की कोशिश की थी और उसके बाद उस महिला ने कहीं ना कहीं जाकर गौतमपल्ली थाने में और कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया था गायत्री प्रजापति के ऊपर। और उसके बाद अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 2017 को ये जो मुकदमा था ये दर्ज हुआ था और 15 मार्च 2017 से ही गायत्री प्रजापति जो है वो जेल में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें सजा क्या हो सकती है, क्योंकि एक लंबे समय से गायत्री प्रजापति पहले ही जेल में है और दूसरी चीज जो सजा का प्रावधान है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉक्सको एड भी लगा हुआ है इसमें गायत्री प्रजापति के ऊपर, तो इसका जो सबसे सबसे अधिकतम जो सजा होती है वो या तो मृत्युदंड होती है या फिर जो आपकी जो लास्ट जो होती है 25 साल की जो सजा होती है वो होती है। तो ऐसे में उम्र कैद की सजा जिसे बोला जाता है, तो ऐसे में ये देखना ही होगा कि आज गायत्री प्रजापति को कौन सी सजा सुनाई जाती है, क्या उन्हें मृत्युदंड तक का सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जाएगी या फिर उम्र कैद दी जाएगी। जी नितिन, जो ये शोषण और रेप के मामले होते हैं इसमें सुनवाई में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है फैसला आने में? देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल था, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं गायत्री प्रजापति और काफी बड़ा नाम रहा है, क्योंकि खनन से भी कई सारे मामले उनको लेकर उनके उनके ऊपर खड़े हुए हैं। जब वो मंत्री थे तो कहा जा रहा था कि खनन पट्टों में भी काफी कुछ हेरा फेरी उनकी तरफ से करी गई थी और उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसके पहले ही से गायत्री प्रजापति के ऊपर नकेल कसने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और इसी का ही कारण है कि 15 मार्च 2017 से ही गायत्री प्रजापति के मामले जो थे वो खुल गए थे, जिसमें रेप का भी मामला था, खनन के भी मामले थे। इन मामलों को लेकर के उन्हें जेल में डाल दिया गया था और तब से लगातार उनकी जो सुनवाइयां हैं वो चल रही हैं। मामला बड़ा था और कहीं ना कहीं इसमें एक अहम बात ये भी है कि कोर्ट इस बात से भी नाराज हुआ था, क्योंकि जिन महिलाओं ने या जिस महिला ने गायत्री प्रजापति के ऊपर आरोप लगाए थे उस महिला ने भी एक समय पर आकर अपना बयान जो था वो बदल दिया था, तो उससे कहीं ना कहीं कोर्ट नाराज था और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में कई सारे जो तथ्य थे वो निकल कर सामने नहीं आ पा रहे थे। और इसी वजह से कोर्ट ने उस महिला से भी जो सवाल थे वो पूछे थे और ये कहा था कि इनकी भी जाँच सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो मामला था इसी वजह से लंबा ज्यादा खिंच गया, क्योंकि गायत्री प्रजापति एक तो पहले हाई प्रोफाइल नाम था, उसके बाद कई सारी जो चीजें थी इसमें फंसी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि करीब 2 साल तक उस महिला के साथ गैंग रेप होता रहा और उसके बाद उसकी बेटी के साथ जब रेप हुआ है तब उस महिला ने इसकी शिकायत की। अहम बात यह भी कि ये भी है कि वो महिला लखनऊ आती थी और गायत्री प्रजापति के आवास पर आती थी, वहां पर उसके साथ रेप होता था, तो ये सारी जो गुत्थियां थी इसको सुलझाना बहुत अहम था और उसी उसको सुलझाते सुलझाते उसकी जांच करते करते एक लंबा समय बीत गया। फिलहाल 10 तारीख को उनको आरोपी ठहरा दिया गया है और आज उनकी जो सजा है वो सुनाई जा सकती है, उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है इन धाराओं में जो कि गायत्री प्रजापति के ऊपर लगी हुई है। नितिन, जिस तरह से गायत्री प्रजापति एक मंत्री रहे हैं और ऐसे में जांच के दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जो आपने बताया कि जिस तरह से महिला ने अपने बयान को बदल लिया था, तो क्या उसके ऊपर दबाव दिया गया था अपना बयान बदलने के लिए? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब महिला ने अपने बयान बदल लिए थे और उससे कहीं ना कहीं कोर्ट काफी नाराज हुआ था। 10 नवंबर को जब गायत्री प्रजापति को दोषी ठहराया गया था तो उस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि जो महिला है उसने अपने बयान बदले थे और उससे कहीं ना कहीं कोर्ट नाराज हुआ था और कोर्ट ने कहा था कि एक बार फिर से इस पूरे मामले की जाँच करी जानी चाहिए, महिला के बयान क्यों बदले गए थे, क्या कारण था, क्या उसे डराया गया था। हालांकि अगर हम बीते दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ऐसे भी आरोप गायत्री प्रजापति पर लगे हैं कि उन्होंने गवाहों को धमकाने, गवाहों को दबाने की काफी कोशिश करी थी इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे प्रमुख मामले हैं। एक तो खनन पट्टे के मामले भी चल रहे, क्योंकि खनन मंत्री थे उस समय जब वो समाजवादी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा ये जो रेप के केसेस उनके ऊपर जो चल रहे थे। तो ऐसे में क्या गवाहों के साथ भी छेड़छाड़ हुई? इस दौरान गायत्री प्रजापति कई बार बीमार भी हुए, वो लखनऊ के KGMU PGI अस्पतालों में उनका इलाज भी चला है, जेल में भी उनके साथ कई सारी जो शिकायतें रही वो लगातार रही कि वो बीमार रह रहे हैं लेकिन उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उन सबके बीच जो कोर्ट का प्रोसेस था, जो पुलिस का प्रोसेस था वो चल रहा था और जो बयान गलत होने की बात या बयान बदलने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं महिला के ऊपर प्रेशर किया गया था गायत्री प्रजापति की तरफ से और ये जांच में निकल कर आया भी है और इसी वजह से गायत्री प्रजापति को आरोपी ठहराया गया है बीते 10 तारीख को और आज उनको सजा सुनाई जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गायत्री प्रजापति और उनके लोगों की तरफ से जो महिला है उसके ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करी गई थी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से इस केस को सुलझाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिस तरह से दबाव बनाया गया मंत्री के द्वारा, तो किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो ये सब अब सामने आ गया है। सारी जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है और आज फाइनली ये फैसला कोर्ट सुना सकती है कि किस सजा के तहत ये जो महिला है उसको इंसाफ मिलेगा। हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, रायबरेली से ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में राइफल से फायरिंग करती दिखी महिला, वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी है महिला। हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, वीडियो में राइफल से फायरिंग करती दिखी महिला, वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी है महिला। हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आई महिला, वीडियो में राइफल से फायरिंग करती दिखी महिला, वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी है महिला। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, वीडियो में राइफल से फायरिंग करती हुई दिखी महिला, जिसके बाद पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी है महिला। आपको बता दें कि इस तरह से फायरिंग करना या फिर शस्त्रों का प्रदर्शन करना बिल्कुल भी मना है, जिसके बावजूद भी अगर इस तरह से कोई वीडियो बना के या फोटो खींच के वायरल की जाती है तो सजा का प्रावधान भी अब निर्धारित कर दिया गया है। और जिस तरह से ये फायरिंग करती हुई वीडियो वायरल हुई है, इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि राइफल से फायरिंग करती हुई वीडियो में दिख रही है महिला और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी है महिला, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो अब सामने आ गया है, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। रायबरेली से ये खबर सामने आई है और हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है हर्ष फायरिंग का, इसके बाद अब पुलिस क्या एक्शन लेती नजर आएगी? हाँ, पुलिस ने इस महिला की पहचान कर ली है। ये महिला जो है राजा भैया की पार्टी है, लोक जनसत्ता दल, ये उसकी जो है सदस्य है और इंदा शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदानगर की निवासी है। रेणु सिंह इस महिला का नाम है, इसके पति का नाम जो है वो संदीप सिंह है। हथियार कहाँ से आया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, हथियार चूंकि इसके जो पति है वो आर्मी में है और वो दीपावली के दिन छुट्टी में आए थे, उसी राइफल से इसने जो है लाइसेंसी से फायर किया है। और अभी सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब ने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। जी ओम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो तस्वीरें वायरल होती है उस पर किस तरह की सजा का प्रावधान है? हाँ, इसमें बस वही जो है असलहे का लाइसेंसी असलहा है तो असलहे का निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाती है। अब क्योंकि ये तो जांच का विषय है कि किन बिंदुओं पर, हालांकि ये जो तथ्य सामने आया है उससे है कि दीपावली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी।